दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथ ज्ञान भाई एस के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एलजेब्रा टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं हिंदी में बीजगणित। तो बीजगणित का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मैथ एडवांस मैथ के अंदर ये टॉपिक कवर होता है। तो इसके आपको एक या दो क्वेश्चन हर कंपटीशन में लगभग एसएससी या रेलवे इनमें ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं इसके क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इसे आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख सकते हैं, और इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एलजेब्रा का टॉपिक पढ़ने से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूले होते हैं, जैसे ए प्लस बी है तो उसका होल स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बस इसमें ये अंतर है, यहाँ प्लस टू ए बी था, यहाँ माइनस टू ए बी। माइनस के आने से यहाँ क्या अंतर हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, दोनों को क्या कर देते हैं, गुणा। फिर अब एक और फॉर्मूला आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसमें क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, और अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो अंदर क्या आएगा, प्लस ए बी। अब देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस, तो ए बी। अब देखते हैं ए प्लस बी की पावर तीन। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब देखते हैं ए माइनस बी की पावर तीन। तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। अब देखते हैं, अगर तीनों जोड़ में है और उनका दो पावर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। तो ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी। तो दोस्तों, ये फॉर्मूले मैंने डिस्कस करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको इसमें हेल्प करेंगे क्वेश्चनों में। तो स्टार्ट करते हैं आज के, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। हाँ, तो दोस्तों, इसका कुछ हम डेरिवेशन करके देखेंगे, उससे हमें फॉर्मूले और बनेंगे। तो उन फॉर्मूलों को हम डायरेक्ट लगा के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, ये दोस्तों ये वीडियो इसका पार्ट वन है। तो इसमें मैं तीन पार्ट बनाऊंगा, तो ये पहला पार्ट है। तो यहाँ देखते हैं, अगर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसको इक्वेशन एक मान लेता हूँ मैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये देखकर वो क्या पूछेगा, तो हम इसका क्या करते हैं, पहले वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक बटा एक्स का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अब मैंने पिछले अभी बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ ए हो गया एक्स और बी क्या हो गया, एक बटा एक्स। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो ये आता है एक्स स्क्वायर। जैसे उसमें बताया था मैंने ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक का वर्ग करने पर एक ही आता है, प्लस दो गुणा पहली संख्या ए इंटू बी,
बराबर के स्क्वायर। दो ए बी, ए क्या है एक्स है और बी क्या है वन अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भाग में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस दो बराबर के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस दो। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट आ गया हमारे पास कि अगर हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के है, के की जगह कुछ भी हो सकता है, दो चार पाँच कुछ भी, माइनस एक कुछ भी हो सकता है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका वर्ग कर देंगे और दो घटा देंगे। अगर ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका वर्ग कर देंगे और दो घटा देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट को मैं एक बार कंक्लूड करके लास्ट में लिखाऊंगा। तो अभी इनको देखते हैं, अब और रिजल्ट क्या आते हैं। अब क्या करते हैं हम दोनों तरफ इसमें से दो घटा लेते हैं, तो दोनों तरफ से दो घटाते हैं तो ये आ जाता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाता है ये के स्क्वायर माइनस दो घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस दो तो है ही, और माइनस दो और आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का चार। अब ये लेफ्ट साइड में हमें क्या मिल जाता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का, क्या लिख देते हैं हम इसको, का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा हमारे पास, बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस चार। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये ऊपर वाला ही आता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा, ये वर्ग है और ये इसका वर्गमूल लेंगे तो इधर ये पावर हट जाएगी, इधर अनरूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अनरूट का के स्क्वायर माइनस का चार। तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और हमें प्राप्त हो गया, अगर हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, जैसे ये ऊपर दे रखा था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के है, तो अगर हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे के का और चार घटा के उसका पूरे का अनरूट कर देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब दोस्तों मैं इन दो रिजल्ट से जो अब आया है लास्ट में, ये वाला रिजल्ट और जो पहले दे रखा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पहले वाला प्लस था, दूसरे वाला माइनस है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इनको क्या लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के इंटू अनरूट का के स्क्वायर माइनस चार। तो ये इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट और हमें प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार एक रिजल्ट और प्राप्त हो जाता है। और अब हम देखते हैं ये जो हमें दिया हुआ था x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के, तो इसका अब हम करते हैं घन, इसका घन करते हैं, तो घन का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ था, तो अब क्या करते हैं घन इसका, तो एक्स क्यूब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, इसका घन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा k की पावर तीन। अब इसका घन करते हैं तो ये आ जाता है x की पावर तीन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर तीन प्लस ये हो जाएगा थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर k की पावर तीन, क्या हो जाएगा बराबर k की पावर तीन। अब x से x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x की पावर तीन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर तीन प्लस तीन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं के, क्योंकि ये शुरू में दे रखा है, ये दे रखा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के है, तो यहाँ के लिख दिया बराबर के की पावर तीन। अब हमें एक्स की पावर तीन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर तीन बराबर क्या हो जाएगा के की पावर तीन माइनस थ्री के, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और हमारे पास मिल जाता है, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट और मिल जाता है। तो इस टाइप के रिजल्ट हमें मिल गए। तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसका एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं और एक साइड हम प्लस लेके चलेंगे, जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के दे रखा है तो हमें निकालना है x माइनस वन अपॉन एक्स, तो क्या करते हैं हम x माइनस वन अपॉन एक्स निकालेंगे, ये तो हमें दिया हुआ रहेगा
और ये हमें निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस निकाल रहे हैं तो के स्क्वायर माइनस चार, माइनस निकाल रहे हैं तो माइनस, और इसका क्या कर देंगे, अनरूट लगा देंगे। ठीक है, अगर हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे और दो घटा देंगे। और अगर हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, के अनरूट के स्क्वायर माइनस फोर। और हमें निकालना है एक्स की पावर तीन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर तीन तो ये आ जाएगा के की पावर तीन माइनस थ्री के, इस प्रकार। अब दोस्तों ये प्लस में दिया हुआ है, अगर माइनस में दिया होता तो क्या होता रिजल्ट, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है के बराबर, तो यहाँ माइनस दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, प्लस। तो पहला क्या निकालेंगे, प्लस। तो प्लस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें जैसे माइनस का निकाल रहे थे तो माइनस किया था, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस का निकाल रहे तो प्लस करेंगे अंदर। अब दूसरा क्या निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, के स्क्वायर प्लस दो, इसमें जैसे माइनस किया तो इसमें प्लस, प्लस निकाल माइनस से हम ये निकाल रहे हैं तो ये प्लस आ जाएगा। अब तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू के स्क्वायर प्लस का फोर। और चौथा क्या आ जाएगा, एक्स की पावर तीन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर तीन निकालना है तो ये आ जाएगा के की पावर तीन प्लस थ्री के, इस टाइप का। तो ये इसका कंक्लूजन आ गया, इसका कंक्लूजन आ जाता है ये कि हमने जो रिजल्ट अभी निकाल लेते हैं उनका कंक्लूजन। अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन एक देखते हैं, इसमें दे रखा है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर तीन है, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर तीन है तो हम हमें निकालना है, पहला क्या निकालेंगे हम, x माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है तो क्या करते हैं, ऊपर फॉर्मूला देखते हैं, जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स के दे रखा था, माइनस निकालना है तो क्या करते हैं, उसका वर्क करते हैं, तो तीन का वर्क करेंगे माइनस एक, माइनस चार कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, तीन का वर्क करेंगे और चार घटाएंगे तो ये मिलेगा हमें नौ माइनस चार, कितना हो जाएगा, पाँच, अनरूट का पाँच। अब दूसरा क्या निकालते हैं इसमें, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तीन गुणा अनरूट पाँच बराबर तीन अनरूट पाँच। और अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे, तीन का वर्क करेंगे उसमें दो घटा देंगे तो क्या आ जाए, नौ माइनस दो बराबर सात। और अगर एक्स की पावर तीन, एक्स की पावर तीन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर तीन निकालना है हमें तो क्या करेंगे, इसका घन करेंगे तो तीन का घन किया माइनस तीन गुणा के का मान क्या है, तीन, तो के का घन किया माइनस थ्री तो था ही फॉर्मूले में और के की जगह क्या आ जाएगा, तीन, तो ये हो जाएगा सत्ताईस माइनस नौ बराबर अठारह। इस प्रकार हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें, और अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद, आपका शुभ दिन, थैंक यू।